कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने पर जर्मनी के विदेश मंत्री की टिप्पणी से अब सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत के घरेलू मामले में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर जर्मनी के प्रवक्ता ने कहा कि उम्मीद करते हैं इस मामले में उनका पक्ष सुनते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों और मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया, जर्मनी के विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के माध्यम से भारत में लोकतंत्र में किस तरह समझौता किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड का बहुत शुक्रिया। Oppositionspolitiker Raoul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen. Dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Raoul Gandhi gelten. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर ट्वीट कर कहा है, वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के माध्यम से भारत में लोकतंत्र से किस तरह समझौता किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पलटवार भी किया गया है, बीजेपी की तरफ से भी कई ट्वीट किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकत को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, कांग्रेस ने खुद को दिग्विजय सिंह के ट्वीट से अलग किया है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि पीएम मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले और डराने धमकाने की राजनीति से हमारे खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेंगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया। 33 जिलों के 355 ब्लॉक्स में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों से सीधा संवाद किया गया और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली गई। जाहिर है 2023 में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अपने समाज कल्याण की योजनाओं के बलबूते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीधा संवाद उन लोगों से जिन्होंने सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का फायदा उठाया है। चुनाव अब सिर्फ 8 महीने दूर है और लाभार्थी एक अहम वोट बैंक भी। जो नीडी है, जो जरूरत है, तो मैं समझता हूँ एक ऐसा प्रयोग किया गया, 2 लाख का टारगेट रखा गया, 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर। हम चाहेंगे कि अब खाली योजनाएं इम्प्लीमेंट करने की बात है, इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। चिरंजीवी बीमा योजना, जिससे फिलहाल 1,40,00,000 परिवार जुड़े हैं, मुख्यमंत्री ने उसमें हाल ही में बीमा 25 लाख रुपए कर दिया है। पिछले कार्यकाल में लागू निशुल्क दवा योजना के साथ कांग्रेस को उम्मीद है ये फ्लैगशिप स्कीम इस चुनाव में माहौल बदलने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने चिरंजीवी बीमा योजना के तहत इलाज करवाया है, जैसे कैलाश जांगीर। इनके बेटे को ब्लड कैंसर था, एक निजी अस्पताल में बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ, खर्चा 11 लाख, जिसका भुगतान सरकारी बीमा योजना से हुआ। मेरे बेटे का ट्रांसप्लांट हुआ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, चिरंजीवी योजना से मेरे को 11 लाख रुपए का पैकेज मिला था। उससे मेरे को 6 जनवरी 2023 को ऑपरेशन होके 1 महीने में एडमिट होके और छुट्टी मिल गई, अभी बच्चा स्वस्थ है। मेरे को 1 जून 2022 को अटैक आ गया था, तो मेरे को काउंटिया हॉस्पिटल ले गए, काउंटिया से SOMH से रेफर कर दिया। वहाँ पे मेरा चिरंजीवी योजना से बिल्कुल फ्री इलाज हुआ, 4,60,000 रुपये।
मुफ्त इलाज, जांच और आपातकालीन इलाज के लिए अब सरकार निजी अस्पतालों को भी जोड़ना चाहती है राइट टू हेल्थ बिल के तहत। लेकिन निजी डॉक्टर्स इसके विरोध में हड़ताल पे हैं। जमीनी तौर पर स्वास्थ्य से जुड़े योजनाओं को धरातल पे लाना और अब डॉक्टर्स की हड़ताल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना ये है कि समाज कल्याण की योजनाएं इस चुनाव में कांग्रेस का कितना साथ देंगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। चुनाव से ठीक पहले बसवराज बोम्मई सरकार ने मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण वापस ले लिया और उसे लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय को दे दिया गया है। अब बीजेपी कर्नाटक में एक भव्य राम मंदिर बनवाने भी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के सहारे विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है। ये एनिमेशन उस भव्य राम मंदिर का है जो बनने के बाद राम देवरा बेट्टा यानी हिल ऑफ लॉर्ड रामा में दिखेगा। बेंगलुरु से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर रामनगर की उन्हीं पहाड़ियों में जहां कभी शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। राम देवरा बेट्टा में पहले से ही राम मंदिर है। 350 सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचा जा सकता है। कांग्रेस राम मंदिर बनाने की बीजेपी की इस कवायद को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देख रही है। राम मंदिर इज ऑलरेडी बिल्ट इन अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, अब क्या? पहले बीजेपी यहाँ खुद को ठीक करे। बीजेपी ऑफिस फर्स्ट, देन राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि आल्सो दे डोंट राम टेंपल। कांग्रेस पार्टी तो ये भी नहीं चाहती कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने। वो चाहते ही नहीं कि कहीं भी राम मंदिर बने। ये बात आस्था, भावनाओं और आध्यात्म की है। ये जगह बहुत ही पूजनीय है। एक तरफ राम मंदिर तो दूसरी तरफ किसी न किसी बहाने 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने की चर्चा करना बीजेपी के बड़े नेता नहीं भूलते। ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು। मुसलमानों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं हुई है। अब आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के तहत उन्हें आरक्षण मिलेगा। धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक नहीं है। ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस भ्रष्टाचार को यहाँ मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस के खिलाफ मुद्दे तलाशती बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन की समाप्ति के साथ साथ कर्नाटक में राम मंदिर के निर्माण के सहारे वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। भगौड़े अमृतपाल सिंह ने पंजाब पुलिस को फिर से चुनौती दी है। यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर कहा कि सरेंडर करने में नहीं जा रहा। इससे पहले अमृतपाल के होशियारपुर में होने की खबर आई थी। पंजाब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जमकर घेराबंदी भी की, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर निकल गया। इस बीच पंजाब पुलिस ने अब अमृतपाल केस में गिरफ्तार किए गए 370 में से 348 लोगों को रिहा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर इनकी रिहाई की गई। अब सिर्फ 22 लोग हिरासत में हैं। इनमें से 8 पर एनएसए लगाया गया है और जिन लोगों को रिहा किया गया उन्हें एहतियातन ही गिरफ्तार किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद से गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। अब मामले 3000 के पार पहुंच रहे हैं और लगातार बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में दाखिला भी बढ़ने लगा है। कोरोना ने पांव पसारना फिर से शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3016 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 5 महीनों में एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। 29 मार्च को 2151 मामले, 28 मार्च को 1573 मामले, 27 मार्च को 1805 मामले, 26 मार्च को देश में 1890 मामले आए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने
कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों की तैयारी को लेकर गुरुवार को बैठक की। अब अस्पतालों में भी मरीज आ रहे हैं। 28 फरवरी को दिल्ली के अस्पतालों में एक भी कोविड मरीज नहीं था, अब दिल्ली के अस्पतालों में 54 मरीज हैं। मुंबई में जहां महीने भर पहले 2 मरीज अस्पताल में थे, अब वो 57 हैं। तमिलनाडु में एक महीने पहले अस्पताल में जहां 11 मरीज एडमिट थे, अब 18 हो चुके हैं। हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने मॉक ड्रिल कर ली है अस्पतालों के अंदर कोविड के सिलेंडर्स की, एलएमयू की, कोविड के अंदर जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग की दुरुस्ती जो है वो हमने वेरीफाई की है। अभी तक जो समझ में आए स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है जिसके लिए जो है कोई भी पैनिक की सिचुएशन हो। 10 दिन पहले जहां देश में कोविड की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.86% थी, जो अब बढ़कर 1.71% पर जा पहुंची है। साथ ही 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी दुगुनी हो गई है। चिंता की बात फिलहाल तो नहीं, लेकिन एहतियातन तैयारी को लेकर चिंतन का दौर जरूर चल पड़ा है। ये जरूरी भी है क्योंकि वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर ना तो कोई शक है और ना ही कोई सवाल। ऐसे में हालात बिगड़े उससे पहले तैयारी के दम पर संभलना जरूरी है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। संसद की स्थायी समिति ने केंद्र से कहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के वक्त छुट्टी दी जाए, इसके लिए एक नियम बनाया जाए ताकि कार्यस्थलों में महिलाओं की उत्पादकता और उनके प्रदर्शन पर पॉजिटिव असर रहे। अगर संसद की अस्थायी समिति की चली तो महिलाओं के कामकाजी माहौल में लगभग क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। समिति ने कहा है कि महिलाओं को पीरियड्स के समय हर महीने 2-3 दिन की छुट्टी मिले, इसे मेडिकल लीव और अन्य छुट्टियों से अलग रखा जाए, इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट न मांगा जाए। जो महिलाएं हैं वो मासिक धर्म के दौरान इस पीरियड में उनको कई तरह की शारीरिक यातनाएं, शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है और इसलिए अगर उस दौरान उनको अगर 1-2 दिन की अगर छुट्टी मिल जाए तो वो शायद बेहतर तरीके से काम कर पाए। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस प्रकार के मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान है। समिति का मानना है कि इस फैसले से लैंगिक समानता भी आएगी, संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी। समिति ने सभी पक्षों से बात कर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को मासिक धर्म छुट्टी से संबंधित नीति तैयार करने को कहा है। कई सांसदों ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। हालांकि ये अंदेशा भी है कि इसकी वजह से महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल ना हो, क्योंकि हर महीने 2-3 दिन की छुट्टियां नौकरी देने वाले को खल सकती है। मेंस्ट्रुअल लीव का जो प्रपोजल दिया गया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इससे सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता भी झलकेगी, लेकिन एक भय भी इसमें पैदा होता है कि ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, महिलाओं को लोग रखना नहीं चाहते और अगर इस तरह की छुट्टी हर महीने देनी होगी तो निश्चित रूप से उनके लिए नौकरियों में कमी आएगी, यह आशंका पैदा होती है। वैसे बिहार में 1992 से ही इस तरह की छुट्टियां मिलती रही है और केरल में हाल ही में छात्राओं को इसका अधिकार मिला है। दुनिया के कई देशों में पीरियड लीव मिलती है। जब महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिली तो इसे दफ्तरों में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम माना गया। अब पीरियड लीव उनके लिए माहौल को और बेहतर बना सकता है और पुरुष सहकर्मियों को उनकी जरूरतों को लेकर और ज्यादा संवेदनशील बना सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर है कई दिनों से, उन्हें मानदेय नहीं मिला और भी कई मांगे हैं इनकी। साथ ही महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक भी 15 मार्च से संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सनी बैगा अपने नातिन को शहडोल के वार्ड नंबर 1 के आंगनबाड़ी केंद्र लेकर आई। सोचा था पोषण और भोजन
साथ लेकर लौटेंगी लेकिन खाली हाथ लौट रही हैं। आंगनबाड़ी लाते हैं नतनिया के, अब ले जाते हैं नहीं मिला खाना तो क्या करेंगी हैं? क्यों नहीं मिलता खाना? अब बंद रहता है यादें। मध्य प्रदेश के सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में हड़ताल की वजह से ताला डला है, टीकाकरण से लेकर मिड डे मील जैसी योजनाओं पर भी। सबसे बड़ा असर सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना के पंजीकरण पर हुआ है। बच्चे जाते हैं ऑफिस लौट के चले जाते हैं। अब क्या मालूम सर, अब तो मैडम ना बैठा तुम्हें तो जाते हैं बच्चा लोग, 10-15 दिन होगी जाते हैं अपन ऑफिस चले जाते हैं। आंगनबाड़ी तो बंद है सर, बच्चे जाते हैं, बच्चे हो गए देख के बता देते हैं कि ये बच्चे तुम्हारा ये आंगनबाड़ी बंद है तो लौट जाते हैं। अभी हमको ये दिक्कत हो रही है कि आशा कार्यकर्ता हमारी जो रहती थी तो वो बच्चों को बुलाती थी ड्यू लिस्ट के अनुसार, तो हम टीकाकरण करते थे। अभी हम जिनके पास जिनका जिन हितग्राहियों का नंबर है तो हम खुद कॉल करके बुला रहे हैं। इससे हमें कार्य करने में बहुत दिक्कत जा रही है। हमारे प्राथमिक शिक्षण जन अभियान परिषद वाले और NRLM की जो महिलाएं वो सहयोग कर रही हैं, और इसके अलावा हमने अन्य विभाग के ऑपरेटर्स को भी लगाया है फॉर्म भरने में। अब इनसे लगातार बातचीत चल रही है कि काम करने के लिए, अब जल्दी बातचीत से कुछ अच्छे नतीजे आएंगे। राज्य में 97,135 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन्हें चलाने के लिए 1,35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं। हड़ताल में परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक भी शामिल हैं, इनकी ग्रेड देश में सबसे कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मांग है कि सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करे। सेवानिवृत्ति के वक्त कार्यकर्ता को 5 लाख रुपए एवं सहायिका को 3 लाख रुपए मिले। हम लोग को सबसे पहली मांग तो हमारी है हमें परमानेंट होना है। दूसरी बात, हम रिटायर होते हैं जब साल इतने जिंदगी भर तो हम काम करते हैं जब तक हमारी हिम्मत रहती है, लेकिन जब रिटायर होने पर जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है, जब हमें हिम्मत नहीं रहती है, तब हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन रिटायर होने पर हमें एक सिर्फ कागज़ दे के बिठा दिया जाता है, ना हमें कोई पेंशन मिलती। यदि वो पेंशन नहीं देते हैं तो कम से कम हमें एक मुश्त राशि दे दें। 2022 में हम लोग 45 डिग्री पारा में भी 45 दिन बैठे रहे, उस समय हमें मात्र एक आश्वासन पत्र मिल गया था, लेकिन हमारी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। तो हम लोग अब इस में संयुक्त मोर्चा के माध्यम से बैठे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे पर कुपोषण के लिए बटने वाला आहार, गर्भवती माताओं के आहार से लेकर केंद्र में बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रहती है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मांग संबंधी फाइल अनुमोदन के बावजूद पिछले 5 साल से धूल फांक रही है। पिछले साल भी हड़ताल हुई थी, इस साल भी। हर बार कर्मचारी आश्वासन के बाद पीछे हट गए, लेकिन इस बार सब कुछ ताला बंद हो गया है। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य और उनका पोषण भी नज़रबंद। लेकिन जल्दबाजी और फिक्र किसी को नहीं, क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं। शहडोल से अपने सहयोगी विनय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।